दोस्तों आइए देखते हैं कमर पे इलास्टिक कैसे लगाते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये इलास्टिक लेंगे, ठीक है, और इसको चार निशान लगा लेंगे। एक टू नंबर ये एक, फिर ये देखिए दो, ये तीन, और ये वाला सेंटर का चार। उसी हिसाब से ये कमर, इसमें जो पैंट है इसकी कमर पे लगाएंगे निशान, और रुमाली वाला दोनों आगे पीछे का हो गया और ये साइड का हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम पहले निशान लगा लेते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे कि फिर हम मशीन पर बैठ के इसको समझाते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमने निशान लगाया है, इसमें जितना भी आपने पैंट में दबाव रखा है, जितना भी दबाव रखा है तो वो आपको पता रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये सेंटर जो है वो रुमाली का ले लेंगे, और उसके बाद हम करीब एक गुड़िया इसको हम ये निशान पे ऐसे रखते हैं, ठीक है। देखिए जॉइंट को ही रखना पड़ेगा, तो जॉइंट को करीब आधा इंच कपड़ा हम ले लेंगे, उसी हिसाब से दबाव रखना पड़ता है जितना भी आप कपड़ा जो है अंदर लेंगे। उसके बाद इस तरह से फंसा लेंगे ये, और ये इसको ऐसे सीधा रखे रहना है और सुई को ऐसे फंसा देना है। सुई को फंसाने के बाद इसको खींचना है, प्लास्टिक को खींचना है, और उस आधा इंची जो है जितना आपने दबाया है उतना ही दबाव इसको ऐसे वैसे खींच के सिलाई लगा देना है, ठीक है। उस कपड़े को फंसा देना, इसको लेना है, और फिर ये साइड में जो जॉइंट है जहाँ पर उठा है इसको इतना खींचना है कि हमारी इलास्टिक जो है एक हिस्सा एक हिस्से में आ जाए, इलास्टिक का एक हिस्सा और कपड़े का, यानी जो कपड़े का है वो इसका भी एक हिस्सा आना चाहिए। तो इस तरह से हम इसे लगाएंगे तो ये एकदम ठीक फुटके पे आ गया। देखिए दूसरा फुटका साइडों का, तो इसको उसी हिसाब से खींचे ऐसे खींच के ऐसे पकड़ के सीधा एकदम इसको सिलाई लगा। उसके बाद में फिर और इसको फिर खींचना है, और खींचने के बाद इसको इस तरह से सिलाई लगा दी। उसके बाद और खींचना है, ये जो साइड है आ गई है, ये जो साइड आई है इस साइड के ऊपर एक फुटका आ जाएगा, ठीक है। ये साइड के ऊपर यानी रुमाली से रुमाली तो लगे कि फुटका और आ जाएगा, ठीक है। इसको खींच लेंगे और फिर से इसको खींचते हैं, पूरा एकदम फुल हैंड खींचिए। एक हिस्से में लगाने के बाद समझ में आ जाता है कि हमें कितनी इलास्टिक को खींचना है, ठीक है। ये देखिए इसको पूरा आ रहा है फुटके के ऊपर, हम अच्छे से आ रहा है। तो इसी तरह ये फुटके पे आ गया, इसको कुछ जोरों से खींचे रहिए। उसके बाद इसको इस तरह से पूरा ये लास्ट एकदम है, तो इसको सही दबाव लेके सिलाई लगा। अब उसके बाद उसके बाद हम इसको ये देखिए ये फंस गई इलास्टिक। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे अंदर मोड़ देंगे, यानी एक मोड़ और ये फिर ये दो, जितना आपने दबाव लिया है वो पूरा अंदर जो है सीधे मोड़ देना है, और फिर ऐसे इसी के ऊपर सिलाई लगा देंगे इलास्टिक के, ठीक है। इसी से हमने सिलाई लगा के इसी के ऊपर इलास्टिक के ऊपर ही सिलाई लगेगी, इस तरह से खींच के। इस तरह से ये देखिए
तरह से ऐसे सिलाई लगा दी, ठीक है। आप लगा रहे हैं, ये देखिए तो पूरी ऐसे बराबर में कपड़े को खींचे रहने नीचे वाला, और इसको बराबर एक ना मानना चाहिए, ये ऐसे करके ये। उसके बाद ऐसे आते हैं इस तरह से, प्लास्टिक को लगाते हैं, ठीक है। ऐसे करके आपको दिखाते हैं, तो ये देखिए इस तरह से ऐसे कमर पे प्लास्टिक को लगाया जाता है, ठीक है। उम्मीद है कि हमारे भाइयों की समझ में आ गई होगी कैसे जो है लगती है।